ये एक ऐसी विजय है जिस पर दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है, क्योंकि भारत चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जो आज से 48वें दिन चांद की जमीन पर उतरेगा। दिलचस्प बात यह है कि आज ही तिरंगे का जन्मदिन है, और आज तिरंगे के जन्मदिन पर दुनिया को भारत ने अपनी अंतरिक्ष वाली शक्ति दिखाई है। चांद के सफर पर हमारा चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये भारत के लिए बहुत गर्व और उल्लास का दिन है, इसे किसी त्योहार से कम मत समझिएगा। आज देश को अपने उन वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने इस मिशन इम्पॉसिबल को चैलेंज लिया और उसे मुमकिन बनाकर दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि यह बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर चंद्रयान के उस लॉन्च की दोबारा तैयारी कर ली जाए जिसे 15 जुलाई को अचानक रोकना पड़ा था। चुनौती ये थी कि चंद्रयान को अगर अगले कुछ दिनों में लॉन्च नहीं किया जाता तो फिर अक्टूबर तक का वक्त लग सकता था, और हो सकता था कि कई और महीने भी लग जाए। लेकिन इसरो की टीम ने दिन रात एक कर दिया और 7 दिन के अंदर ही आज की नई तारीख दे दी थी। दोपहर 2:43 पर जैसे ही भारत के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 ने उड़ान भरी और 16 मिनट में चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया, वैसे ही श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़े। पूरे देश और दुनिया की नजर उन पर थी और उन्होंने इस बार निराश नहीं किया। चंद्रयान को लॉन्च करने का सबसे सही समय 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का था, लेकिन 15 जुलाई को तय समय पर चंद्रयान लॉन्च नहीं हो पाया था। 7 दिन में ही इसरो की टीम ने दमदार वापसी की और इस बार सुनिश्चित कर दिया कि कहीं पर कोई चूक नहीं होगी। लॉन्च के 16 मिनट में चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अगले 23 दिन तक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 7 दिन में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। 13 दिन चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाएगा। 43वें दिन चंद्रयान के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा। लैंडर विक्रम 48वें दिन चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के 4 घंटे में रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आएगा और रोवर प्रज्ञान 14 दिन में चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यह रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरकर क्या क्या काम करेगा, कौन सी नई खोज करेगा, यह भी हम आपको बताते हैं। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की रासायनिक जांच करेगा, चांद की सतह पर पानी और खनिज का पता लगाएगा। चंद्रयान ये जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं आते हैं। चंद्रयान 2 के साथ 8 पेलोड हैं जिनके अलग अलग काम हैं। इनमें प्रमुख है चांद की सतह का नक्शा तैयार करना जिससे चांद के अस्तित्व और उसके विकास का पता लगाने की कोशिश होगी। सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को मापना, चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना, ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ के रूप में जमे पानी का पता लगाना और चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना। आज चंद्रयान 2 का लॉन्च उम्मीदों से बहुत बेहतर रहा है। अगर आज ये लॉन्च न होता तो अगला मौका 3 महीने बाद जाकर मिलता।